राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आपसे थोड़ी देर के बाद अभिभाषण होगा संसद में। 11 बजे का समय है, उससे पहले सलामी लेते हुए और उसके बाद आर्थिक जो सर्वेक्षण है वो पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र भी किया कि आज महिला शक्ति का भी दिन है। साथ ही विपक्ष से कहा है कि तकरार होनी चाहिए लेकिन तकरीर भी होनी चाहिए। अनिला सिंह जी कुछ कह रही थी जी। तो मैं अभी घनश्याम तिवारी जी को यही बता रही हूँ कि साहब आप विपक्ष में हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको बिल्कुल प्रश्न करना चाहिए, टीका टिप्पणी करना चाहिए कि ये जो बजट है जनता की उम्मीदों को पूरा करेगा, मानकर चलें। नहीं, क्यों नहीं करेगा? अब देखिए 2021 में हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो नेगेटिव थी, -6.6%। 21-22 में 8.7, 22-23 में हमने प्रोजेक्ट करी 7%। आप देख लीजिए, अगर नवंबर का देखें तो इन्फ्लेशन रेट है ऑल टाइम लो चला गया था। तो क्या सरकार काम नहीं कर रही है? देखिए, राज्यसभा में 26 विधेयक लंबित पड़े हैं, लोकसभा में 9 विधेयक लंबित पड़े हैं, किसकी जिम्मेदारी है बताइए आप? विपक्ष से पूछिए ना, पार्लियामेंट चलने देते हैं ये लोग? टैक्स पेयर्स के मनी से पार्लियामेंट चलता है ना। एक 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 सांसद जब चुन के जाता है वहां पर, और जो भी एक्सपेंडिचर पार्लियामेंट में हो रहा है वो किसके पैसे से हो रहा है? हमारे और आपके जैसे लोगों के पैसे से हो रहा है ना। वो जगह वहां पे चर्चा करने के लिए या हंगामा काटने के लिए? घनश्याम तिवारी जी, हंगामा काटते हैं। और एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ, विपक्षी पार्टियां कर रही है तो फिर क्या उम्मीद सदन में जनता आपसे करे? विपनेश जी, एक चीज मैं बोलू जी? जी, अभी मैं सुन रही थी, मैं घनश्याम तिवारी जी को बहुत ही संजीदा और सुलझा हुआ प्रवक्ता मानती हूँ। समाजवादी पार्टी का ऐसा राजनीतिक दल जो कोई मौका नहीं छोड़ता भगवान श्री राम का अपमान करने में, हाल फिलहाल तो अब ये रामचरितमानस की प्रतिलिपियों को जलाते हैं, ये इनका नया फैशन, नया ट्रेंड शुरू हुआ है। छोड़ देते हैं, अभी बजट सत्र से कुछ लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि जो जनता उम्मीद लगाए इस बजट से बैठी है, जिसमें राहत चाहती है, वो हर फील्ड में, चाहे वो टैक्स की बात हो, उनकी EMI की बात हो, या फिर महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, इन सब में राहत देती है। देखते हैं कि सरकार इस बजट में देश की जनता को क्या देती है, और साथ ही क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा या फिर बिखरा रहेगा, क्योंकि हर मुद्दे पर विपक्षी अलग अलग राय सामने निकल कर आती है। शुक्रिया, इतना ही वक्त था। आज बजट की शुरुआत हो रही है, कल बजट पेश। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.